नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। मैं हूं आंचल गुलाटी गुंबर और आइए अब एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लालगंज की रैली में इंडी गठबंधन पर सीएए पर राजनीति करने को लेकर बोला हमला, कहा विपक्ष की हिंदू मुसलमान की राजनीति करने से उनके सेक्युलरिज्म का नकाब उतरा। स्वाति मालीवाल से बदसलूकी के बाद लखनऊ में विभव सिंह के साथ दिखे अरविंद केजरीवाल, बीजेपी ने कहा सामने आ गया केजरीवाल का चरित्र। केजरीवाल ने सवाल पर साधी चुप्पी, अखिलेश ने कहा देश में और भी कई है मुद्दे। यूपी की सियासी गर्मी को आज और बढ़ाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जौनपुर, भदोही और प्रतापगढ़ में करेंगे धुआंधार प्रचार, योगी, अखिलेश और मायावती समेत बाकी दल के नेता भी कमर कसकर तैयार। दिल्ली की सियासी फिजा में आई गर्मी, बांसुरी स्वराज ने आप और कांग्रेस के गठबंधन को बताया अप्राकृतिक, कन्हैया कुमार ने लगाया बीजेपी पर 10 साल से कोई काम ना करने का आरोप। झारखंड सरकार में मंत्री आलमगीर आलम को आज कोर्ट में पेश करेगी ईडी, कैश कांड से जुड़े मामले में पूछताछ के लिए रिमांड पर लेने की होगी कोशिश। दिल्ली समेत उत्तर पश्चिम भारत में आज से फिर भीषण गर्मी के आसार, 3 से 4 डिग्री बढ़ सकता है अधिकतम तापमान। वहीं केरल के 9 जिलों में बारिश को लेकर येलो अलर्ट, तमिलनाडु में भी भारी बारिश का दौर। कान फिल्म फेस्टिवल में भारत पर्व के आयोजन की जोरदार तैयारी, पहली बार इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया का पोस्टर होगा लॉन्च। और भारत के फुटबॉल आइकन सुनील छेत्री ने किया संन्यास का ऐलान, 6 जून को कोलकाता में कुवैत के खिलाफ खेलेंगे आखिरी मैच, सोशल मीडिया पर जारी किया वीडियो। आइए आपको सीधे ले चलते हैं बीजेपी हेडक्वार्टर्स, जहां पर इस वक्त हो रही है प्रेस कॉन्फ्रेंस। महिला सशक्तिकरण की बात ही नहीं करती है, उसको चरितार्थ करती है। कुछ मुद्दे हम लोग यहां से उठाएं और प्रमुख मुद्दे पे आए, उससे पहले एक बात जरूर कहना चाहूंगा, कान खोल के सुन ले घमंडिया के नेता, जो इतने कायर इतने बुजदिल हैं कि अपनी सीटें नहीं बताते हैं, वो भी भारतीय जनता पार्टी की ही बात करते हैं, एनडीए की भी बात करते हैं। तो मैं एक बात जरूर कहूंगा, 4 जून को एनडीए की 400 प्लस, भारतीय जनता पार्टी की 370 प्लस, उत्तर प्रदेश में 80 में 80 सीटें हमारी आएंगी। और ये जो टूटी फूटी साइकिल है जिसका पंचर टायर है और एक पंप आए हैं अरविंद केजरीवाल लेकर कि हवा भरेंगे पंचर साइकिल में, ऐसा होने वाला नहीं है। लेकिन एक बात अब जरूर कहना चाहूंगा, हम सब जानते हैं कि आम आदमी पार्टी की सांसद स्वाति मालीवाल जी, उनके साथ जिस तरह का घिनौना व्यवहार हुआ, मीडिया में रिपोर्ट आई कि मारपीट हुई है, बेल पे बाहर भ्रष्टाचारी संजय सिंह स्वयं कहते हैं कि एक निंदनीय घटना हुई, जब स्वाति मालीवाल जी अरविंद केजरीवाल जी के मुख्यमंत्री आवास पर गई तो ये तो उन्होंने स्वीकार कर लिया। पहली बात, ये बात आई, 3 दिन होने को आ गए, सबने उम्मीद लगाई कि नारी शक्ति के साथ समझौता नहीं करेंगे अरविंद केजरीवाल। ठीक है, भ्रष्टाचारी तो है, कट्टर बेईमान है, लेकिन अपनी ही पार्टी की नेत्री के साथ दुर्व्यवहार हो, मारपीट हो, गाली गलौज हो तो शायद अरविंद केजरीवाल की इंसानियत जागेगी और वो
त्वरित कार्रवाई करेंगे अपने पीए विभव कुमार के खिलाफ। लेकिन आज जो सामने आया वो तो बहुत चौंकाने वाला था। आज अरविंद केजरीवाल को कोई मलाल, कोई पछतावा नहीं था कि एक महिला सांसद जो उनकी पार्टी की है, उनके साथ मारपीट होती है, दुर्व्यवहार होता है। कार्रवाई तो दूर की बात है, वो तो पश्चाताप भी नहीं कर रहे, कार्रवाई तो क्या करेंगे। और एक तस्वीर सामने आई है, आपसे साझा करें। ये अरविंद केजरीवाल के साथ विभव कुमार, इन पे तो आरोप लगे हैं। मतलब अच्छा, आरोपी अरविंद केजरीवाल के संरक्षण में साथ में घूम रहा है और वो समाजवादी पार्टी के हेडक्वार्टर में भी दिखाई दिए साथ में। तो ये पूछा जाएगा, ये जो पाप उसको शीश महल क्या कहें, अरविंद केजरीवाल के गुंडागर्दी करने का घर कहे तो ज्यादा अच्छा है। कभी चीफ सेक्रेटरी पिट जाते हैं मुख्यमंत्री आवास पे दिल्ली में, कभी एक सांसद नेत्री पिटती है, तो ये पूछा जाए। आप सुन रहे थे भाजपा मुख्यालय से प्रेस कॉन्फ्रेंस, जहां पर साफ तौर पर भाजपा ये लगातार पलटवार करती हुई कि जिस तरह से स्वाति मालेवाल के साथ बदसलूकी हुई है उस पर आप पार्टी ने चुप्पी साधी हुई है। और आइए अब खबरों में बात करते हैं 24 की चुनौती से जुड़ी हुई। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज लखनऊ पहुंचे, इसी के साथ उन्होंने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के साथ संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान केजरीवाल से राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल से जुड़े विवाद के मुद्दे पर सवाल पूछा गया, लेकिन केजरीवाल ने इस मुद्दे पर चुप्पी साध ली और सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने ये कहते हुए सवाल को टाल दिया कि स्वाति मालीवाल के मुद्दे के अलावा और भी जरूरी मुद्दे हैं। आइए आपको सुनवाते हैं। अरविंद जी, स्वाति मालीवाल के मामले में अभी तक आप कुछ बोले नहीं है, आपकी ओर से आपके साथ में स्वाति मालीवाल के मामले में अभी तक? अरे उससे ज्यादा जरूरी और चीजें भी हैं, कागज हम निकाल लिए। अरविंद जी आज आपके साथ में है, आज आपके साथ में भी आए हैं। अब आपको कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। देखिए, लखनऊ एयरपोर्ट से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अपने जो पीए हैं विभव कुमार के साथ नजर आ रहे हैं। ये वही विभव कुमार हैं जो आम आदमी पार्टी की सांसद स्वाति मालीवाल के साथ बदसलूकी और मारपीट की वजह से चर्चा में आए। गौर करने की बात यह है कि यहाँ संजय सिंह भी इनके साथ है, जो अभी कुछ दिन पहले कह रहे थे कि चुप्पी नहीं साधी जाएगी, कोई ना कोई कड़क एक्शन लिया जाएगा। और उन्होंने ये भी कहा था कि अरविंद केजरीवाल ने मालीवाल के साथ मारपीट के मुद्दे को संज्ञान में लिया है और वो उस पर कार्रवाई करेंगे। तो कथनी और करनी में अंतर साफ तौर पर नजर आ रहा है। संजय सिंह ने आखिर कहा क्या था दो दिन पहले, आइए वो भी सुनते हैं एक बार। स्वाति मालीवाल जी के साथ बहुत बदतमीजी की, अभद्रता की, इस पूरे मामले की जानकारी 112 नंबर पे कॉल करके स्वाति मालीवाल जी ने पुलिस को दी। इस घटना की जितनी निंदा की जाए कम है। अरविंद केजरीवाल जी ने पूरी घटना को संज्ञान में लिया है और इस पूरे मामले में सख्त कार्रवाई करने को कहा है। भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने केजरीवाल, संजय सिंह और विभव कुमार की ताजा तस्वीरों पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि मालीवाल पर हमला केजरीवाल ने ही करवाया था। सब कुछ सामने आ चुका है कि शीश महल जो बन चुका है अपराध महल, उसमें हमला करवाने वाले स्वाति मालीवाल एक राज्यसभा महिला सांसद पर, वो और कोई नहीं, वो केजरीवाल ही थे। क्योंकि केजरीवाल के साथ ही
विभव कुमार देखे गए एयरपोर्ट पर लखनऊ के। अब बताइए 72 घंटे होने को है, इस व्यक्ति के ऊपर कोई FIR नहीं की जाती आम आदमी पार्टी के द्वारा। बस 30-32 घंटों के बाद संजय सिंह आकर एक स्टेटमेंट देते हैं कि सख्त कार्रवाई होगी, और ये सख्त कार्रवाई है कि आप विभव कुमार को लेकर घूम रहे हैं। इसका मतलब हमला विभव कुमार ने नहीं किया, हमला जैसे PCR कॉल के रिकॉर्ड में लिखा है जो 2 फोन कॉल किए स्वाति मालीवाल ने, हमला मुख्यमंत्री ने ही करवाया, अरविंद केजरीवाल ने ही करवाया। और सवाल ये बनता है, इसीलिए तो संरक्षण दिया जा रहा है, इसीलिए FIR नहीं की जा रही। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने विभव कुमार के अरविंद केजरीवाल के साथ लखनऊ एयरपोर्ट पर दिखने के मामले में कहा कि झूठ, मक्कारी, धोखा आम आदमी पार्टी के चरित्र में दिखाई देता है। लखनऊ एयरपोर्ट पर संजय सिंह भी हैं, अरविंद केजरीवाल भी हैं और विभव भी है, मतलब वही झूठ, मक्कारी और धोखा जो आम आदमी पार्टी के चरित्र में है वो एक बार फिर दिखाई देता है। जब जब महिलाओं के सम्मान की बात हुई है, जब जब महिलाओं के आत्मसम्मान की बात हुई है, अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी का चरित्र खोखला नजर आता है। स्वाति मालीवाल के साथ जो दुर्घटना हुई ये पहली नहीं है। आज मुझे बहन संतोष कोहली भी याद आती हैं जिनकी दुखद मृत्यु आज भी संदेह के घेरे में है। क्या कारण है कि आम आदमी पार्टी में जो भी महिला किसी ऊंचे पद पर जाती है वो वहाँ ठहर नहीं पाती। तो यूपी में आज जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी धुआंधार प्रचार कर रहे हैं, तो वहीं बीजेपी के पक्ष में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी मोर्चा संभाला हुआ है। योगी आज कौशाम्बी और फतेहपुर में चुनावी जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। इसके साथ ही विपक्ष भी अपने अभियान को तेज करने में जुटा है। गठबंधन के पक्ष में कई रैलियां आज हो रही हैं। समाजवादी नेता अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में 2 जनसभाओं को संबोधित कर अपने गठबंधन के पक्ष में मतदाताओं से मतदान करने की अपील करेंगे। दोपहर में करीब 2 बजे फतेहपुर में अखिलेश यादव चुनावी सभा में हिस्सा लेंगे, तो शाम में कौशाम्बी में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। वहीं BSP सुप्रीमो मायावती आज फतेहपुर के खागा में स्थित नवीन मंडी में आयोजित जनसभा को संबोधित करेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपी के लालगंज में इंडी गठबंधन पर हमला बोलते हुए कहा कि हिंदू मुसलमान की राजनीति कर विपक्ष के सेक्युलरिज्म का नकाब उतर गया है। सपा, कांग्रेस और इंडी गठबंधन वालों ने इनके साथ क्या किया? इन्होंने CAA के नाम पर ऐसा झूठ का पहाड़ खड़ा कर दिया, ऐसा झूठ चलाया। सपा कांग्रेस जैसे दलों ने यूपी सहित पूरे देश को दंगों की आग में झोंकने का भरपूर प्रयास किया। आज तक ये इंडी गठबंधन वाले कहते हैं कि मोदी ये जो CAA लाया है ना, जिस दिन मोदी जाएगा ये CAA भी जाएगा। भाइयों बहनों, क्या इस देश में अब कोई माई का लाल पैदा हुआ है जो CAA को खत्म कर सके? ये देश की जनता जान गई है, देश का हर नागरिक जान गया है कि आप लोगों ने वोट बैंक की राजनीति करके हिंदू मुसलमान को लड़ा लड़ा करके और सेक्युलरिज्म का ऐसा चोला पहन लिया था कि आपकी अंदर की पाप की सच्चाई बाहर नहीं आती थी। ये मोदी है जिसने आपका नकाब उतार दिया है, ये आपका नकाब। आप डोंगी है, आप सांप्रदायिक है, आपने देश को 7 दशक तक संप्रदाय की आग में जूझने के लिए मजबूर कर दिया है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों नए नए तरीकों से आगामी चरणों के चुनाव के लिए अपनी रणनीति बना रहे हैं और उसे समय के साथ बदल भी रहे हैं। दोनों ही दल के अध्यक्ष आज ओडिशा में हैं। एक तरफ बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ओडिशा में अपने प्रचार अभियान का आगाज भुवनेश्वर में रोड शो से
उन्होंने किया तो वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी कंधमाल के फूलबनी में पार्टी के लिए वोट की अपील करेंगे। जेपी नड्डा बारागढ़ और सुंदरगढ़ में भी बीजेपी प्रत्याशियों के लिए जनसभा करने वाले हैं, जबकि खड़गे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। ओडिशा में लोकसभा के साथ साथ विधानसभा के भी चुनाव हो रहे हैं, यहाँ मुख्य मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच है। ओडिशा के भुवनेश्वर में भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में रोड शो किया। नड्डा ने कहा कि इस बार राज्य में भाजपा को लेकर लोगों में जबरदस्त उत्साह का माहौल है। विधानसभा में हम स्पष्ट बहुमत से सरकार बनाएंगे, साथ ही राज्य में लोकसभा की सभी सीटें जीतेंगे। रोड शो के दौरान हमारे संवाददाता रजनीश त्रिपाठी ने भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से खास बात की है। नड्डा जी, यहाँ पांचवें चरण का चुनाव होने जा रहा है उड़ीसा में और साथ में विधानसभा का भी चुनाव है, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं जबरदस्त उत्साह भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में देख रहा हूँ और बदलाव की लहर है। लोग विधानसभा में नवीन बाबू को आराम देना चाहते हैं और भारतीय जनता पार्टी को काम देना चाहते हैं और इसलिए एक जबरदस्त बदलाव मैं विधानसभा में देख रहा हूँ। लोकसभा में भी भारतीय जनता पार्टी यहाँ से बहुमत से ज़्यादा सीटें लेकर के आएगी, ये मैं साफ साफ देख रहा हूँ। 4 जून को मैं फिर आपसे बात करूँगा, आपके ध्यान में आएगा कि विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी की विशुद्ध सरकार कमल के निशान पर लोगों का आशीर्वाद मिलेगा और लोकसभा में हम अभी जो हमारा मार्जिन था उससे डबल से ज़्यादा हम लेंगे, शायद 2-3 सीटें उनको आएँ, बाकी सब भारतीय जनता पार्टी को आएंगी। जी, एक सवाल ये भी है कि यहाँ पे 21 सीटें हैं, अभी तक 4 चरण का चुनाव हो चुका है, आप लोगों का ये कहना है कि आप बहुमत से पार हो चुके हैं, अब कितनी उम्मीद है? मैं वही कह रहा हूँ कि बहुत हमारा टारगेट है 400 पार और वो NDA करेगा 400 पार। जैसा कि हमने कहा कि अभी हम लोग 270 क्रॉस कर चुके हैं और बड़ी मार्जिन में निकल करके हम 400 पार करेंगे। एक आखिरी सवाल है, कांग्रेस के नेता राहुल गांधी पूरे जो भारत में जो चुनाव हो रहा लोकसभा चुनाव उसको लेकर उनका सबसे पहले अमेठी और रायबरेली लेकर कहते हैं कि ये हमारी कर्म भूमि है, यहाँ हमारे दादा परदादा रहे हैं, उसके बारे में क्या कहना चाहिए? देखिए, अतीत को याद वो करते हैं जिनको भविष्य अंधकार में दिखता है और इसलिए वो अतीत में ही जी रहे हैं, भविष्य उनको मालूम नहीं है और वो जानते हैं कि किस तरीके से अमेठी की जनता ने उनको नकारा है, वायनाड में वो फंसे हैं और अब रायबरेली की ओर दौड़े हैं। धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा साफ तौर पर कहना है कि हम बहुमत पार कर चुके हैं। कैमरामैन जगमोहन के साथ रजनीश त्रिपाठी, DD न्यूज उड़ीसा। और जिस तरह से स्वाति मालीवाल जिनके साथ अभद्रता की गई लगातार, इस वजह से आप पार्टी की किरकिरी हो रही है, इसी मुद्दे पर बात करने के लिए लखनऊ से रामेंद्र सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। और जैसा कि हमने देखा कि लखनऊ एयरपोर्ट पर अरविंद केजरीवाल को उनके ही PA के साथ देखा गया। रामेंद्र, ये कहते हैं ना कि ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे और बहुत दूर तक जाएंगे, वो बहुत दिल्ली से दूर लखनऊ तक आ गए, नवाबों की नगरी है, लेकिन नवाबगिरी वहाँ नहीं चलती जब महिला से अभद्रता की बात आती है। ऐसे में आखिरकार सवालों पर चुप्पी क्यों, और ख़ास तौर पर वो तब जब बात वो खुद उनकी पार्टी लगातार कहती है कि महिला सुरक्षा उनके लिए सर्वोपरि है। देखिए, आंचल सवाल का जवाब दें या ना दें उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। मीडिया इतना सशक्त हो गया, सोशल मीडिया इतना सशक्त हो गया है कि स्वाति मालीवाल के साथ की गई घटना हर महिला की चर्चा पर है। लोग व्हाट्सएप पर, तमाम यूट्यूब पर, अखबारों में, छोटे छोटे व्हाट्सएप ग्रुप में सारी चीज़ें चल रही हैं। तो ये जवाब वो नहीं देंगे तो जवाब जनता देगी। हालांकि अरविंद केजरीवाल
का जो राजनीतिक रसूख देखिए जिस तरह चलते हुए आए हैं आंदोलन से लेके यहाँ तक, तो वो सवाल उठाने के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने जनता के किसी सवाल का जवाब नहीं दिया। जब उनसे सवाल किया गया, जो जो इश्यूज उठाए, जो जो मुद्दे आए, जब उन्होंने कहा हम ये करेंगे, जो नहीं कर पाए उस पर उन्होंने कभी जवाब नहीं दिया। तो जवाब ना देने की प्रवृत्ति भी अहंकार दर्शाती है और ये अहंकार 50% जो मतदाता है उसके खिलाफ जाएगा। तो ये जो चीज़ें हैं, अभी 3 चरण का चुनाव बचा है। और जब अखिलेश के साथ वो पीसी कर रहे थे तो अखिलेश यादव ने कहा कि इससे भी बड़े मुद्दे, यानी जन महिला के लिए अपनी सुरक्षा, अपनी संरक्षा, अपनी इज्जत, इससे बड़ा कोई मुद्दा होता नहीं है। तो जो बात अखिलेश कह रहे हैं, जो बात केजरीवाल जिसका जवाब नहीं दे रहे हैं, उसका जवाब हो सकता है कि महिला मतदाता इनको लोकसभा में दें। बहुत अहम बात आपने कही, लेकिन संजय सिंह जिस तरह से उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते नजर आए कि राजनीति ना की जाए स्वाति मालीवाल के इस पूरे मुद्दे पर, पार्टी अपना रुख तय करेगी, साफ करेगी, लेकिन जनता के बीच जो एक लगातार हम और आप कह रहे हैं जो संदेश जा रहा है वो नकारात्मक राजनीति का ही है। देखिए आजकल राजनीति से दुनिया नहीं चलती, राजनीति से देश नहीं चलेगा, देश चलता है समाज से। और अगर समाज को कोई बात भारी लगती है तो उसका विरोध और प्रतिरोध होता है। तमाम सामाजिक आंदोलन खड़े होते हैं देश में बड़े बड़े, क्या राजनीति से संचालित होते हैं? तमाम लोग सामाजिक रूप से खड़े होते हैं। तो जो बात संजय कह रहे हैं कि राजनीति न हो, आप राजनीतिक दल हो, आपके राजनीतिक दल के अंदर कोई घटना होती तो उस पर राजनीति नहीं होगी, क्या विपक्ष राजनीति नहीं करेगी, आप किसी पर राजनीति नहीं करते हो, तो जाहिर है इस पर राजनीति होगी। लेकिन राजनीति से बड़ा सामाजिक मुद्दा जिनमें महिलाओं के सोचना है कि क्या केजरीवाल जैसे व्यक्ति को, आप पार्टी को हमको वोट देना चाहिए नहीं देना चाहिए, ये इशू बड़ा है। ये समाज का मुद्दा है, राजनीति का बिल्कुल इशू नहीं है। किसी महिला के साथ बेइज्जती की, बदतमीजी की जाए, उसकी बेइज्जती की जाए, उसके साथ मारपीट की जाए, ये राजनीति का इशू नहीं है, भारत के समाज का इशू है, भारतीय महिलाओं के सुरक्षा और संरक्षा का इशू है। तो हमें लगता है कि इस पर केजरीवाल नहीं जवाब देंगे तो ज्यादा दिक्कत वाला होगा उनके लिए। बिल्कुल, आधी आबादी के संरक्षण, सम्मान और सजगता की बात है, और इस पर भी अगर आप सवाल किया, आप सफाई देने से बचते आए हैं तो ये कहीं ना कहीं इसको आपको आगे भुगतना ही होगा। बहुत बहुत शुक्रिया रामेंद्र इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए। आपसे आगे भी इस पूरे मामले पर अपडेट्स लेते रहेंगे, लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए डीडी न्यूज। किसानों को जारी रहेगी 6,000 रुपए की सम्मान निधि, यह है मोदी की गारंटी। मोदी सरकार। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत। बढ़ते हैं आगे, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख की अब बात करते हैं, जहां 5वें चरण के तहत यहां की एकमात्र लोकसभा सीट के लिए 20 मई को मतदान होना है। धारा 370 के हटने के बाद से लद्दाख ने विकास के नए आयाम छुए हैं। यहाँ की अद्वितीय सुंदरता, लुभावने परिदृश्य और जीवन संस्कृति का साक्षी बनने देश विदेश से बड़ी संख्या में सैलानी आते हैं। पर्यटन और विकास के साथ साथ लद्दाख वासियों की कुछ आकांक्षाएं, उम्मीदें हैं, साथ ही कुछ चिंताएं भी हैं। क्या है यहाँ के मुद्दे और क्या है मतदाताओं के मन की बात, ये जानने की कोशिश की है हमारे संवाददाता गौतम रॉय ने। देखिए लेह से हमारी ये खास रिपोर्ट। अद्भुत प्राकृतिक सौंदर्य, अनोखी संस्कृति, बर्फीले पहाड़ों का केंद्र है लद्दाख में। हर तरह के सैलानियों के लिए कुछ न कुछ है, फिर वो चाहे प्रकृति प्रेमी हो या फिर आध्यात्म की खोज में रहने वाले सैलानी हो। हिमालय की बर्फीली चोटियों से लेकर इसकी झीलों और घाटियों की सुंदरता यहाँ आने वाले सैलानियों को अविस्मरणीय अनुभव का एहसास कराती है। एक अनुमान के मुताबिक पिछले साल लद्दाख में लगभग 6,00,000 पर्यटक आए थे, जो यहाँ की आबादी से कहीं ज्यादा हैं। ऐसे में पर्यटकों के बढ़ने से यहाँ के जरूरी संसाधनों पर दबाव बढ़ रहा है। सीमित मात्रा में उपलब्ध संसाधनों की उपलब्धता, बढ़ती मांग यहाँ के निवासियों के लिए चिंता का कारण बन रही है। लेह और लद्दाख के पर्यटन स्थलों पर भारी ट्रैफिक जाम की समस्या भी यहाँ के लोगों के लिए परेशानी बन गई है। इसके साथ ही पर्यटकों और होटलों द्वारा पर्यावरण को लेकर लापरवाही पूर्ण रवैया भी लद्दाख वासियों के बीच चिंता का कारण बन रहा है। अभी पेंगोंग लेक जो है हमारा होली लेक मानते हैं उसको, धार्मिक, तो लेकिन फिर भी जैसे इरिस्पॉन्सिबल टूरिस्ट आते हैं, कहीं लोग थार लेके, अपने बड़े बड़े गाड़ी लेके, फिर वो लोग देर ड्राइव करते हैं वो वहाँ पे लेक के साइड, यू नो, बैंक ऑफ द लेक में, तो
तो इसके वजह से ये इकोलॉजिकली ये इम्बैलेंस भी बन जाएगा। लद्दाख दुर्लभ जानवरों जैसे हिम तेंदुए, पक्षियों का भी घर है। यहाँ घास के मैदानों और आर्द्र भूमि जैसी अनूठी वनस्पतियों की एक विस्तृत विविधता है, जहाँ पर्यटकों का दखल बढ़ रहा है। ऐसे में लद्दाख में पर्यटकों के प्रवेश को लेकर नियम बनाने की मांग की जा रही है। पूरे लद्दाख की अगर बात करें तो उसको रेगुलेट करने के लिए मेरे ख्याल से एक ऑनलाइन अगर पोर्टल बनाया जाए, जिसके थ्रू जो है लोगों का जो नंबर लद्दाख में जो आ सकते हैं, विजिट कर सकता है, उस पे अगर कोई कैप लगा जाए एक ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू, तो वो मेरे ख्याल से एक अच्छा सॉल्यूशन रहेगा। वैसे देखा जाए तो इस कहानी का एक दूसरा पहलू भी है, जहां स्थानीय सामग्रियों और तकनीकों का उपयोग करके लद्दाख में टिकाऊ तरीके से रिसॉर्ट्स, होटल और रेस्टोरेंट बनाए गए हैं, जिनमें पर्यावरण का विशेष रूप से ध्यान रखा गया है। जैसे सिंगल प्लास्टिक के उपयोग से बचना और लिनन को रोज रोज बदलने से बचना शामिल है, और इस बात की सराहना पर्यटक भी करते हैं। स्टेक होल्डर्स जो भी लद्दाख के हैं हमारे, उनको ये सारे मेजर्स अडॉप्ट करना चाहिए। और मैं कहता हूँ कि लद्दाखी जो आदमी जो हमारे लद्दाखी लोग हैं, वो वैसे भी काफ़ी कॉन्शियस होते हैं इन चीज़ों पर, क्योंकि उन्होंने अपने बाप दादाओं से यही सीखा है। लद्दाख प्रकृति का एक ऐसा दुर्लभ रत्न है जो भारत के मानचित्र के शीर्ष पर मुकुट की तरह विराजमान है। उम्मीदों और चिंताओं के बीच लद्दाख में पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए यहाँ के प्रशासन और नागरिकों के द्वारा तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। बात चाहे पर्यटन की हो या विकास की, लद्दाख जैसे इको सेंसिटिव जोन के लिए सस्टेनेबिलिटी ही आगे की सही राह है। और चुनावी आलम में लद्दाख के लोग अपने चुने हुए नुमाइंदे से यही चाहते हैं कि वो दिल्ली में इस बात को ही आगे लेकर जाएं। कैमरन नवीन कुमार झा के साथ गौतम रॉय, ले डीडी न्यूज। और अब बात भारतीय फुटबॉल टीम के स्टार खिलाड़ी और कप्तान सुनील छेत्री की, जिन्होंने कुवैत के खिलाफ फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफायर के दौरान इंटरनेशनल फुटबॉल से संन्यास का ऐलान किया। कोलकाता के सॉल्ट लेक स्टेडियम में 6 जून को कुवैत के खिलाफ होने वाला मुकाबला उनका आखिरी मुकाबला होगा। 39 वर्षीय छेत्री ने भारत के लिए 145 मैच खेले और 20 साल के करियर में उन्होंने 93 गोल किए। छेत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किए गए एक वीडियो मैसेज के माध्यम से अपने संन्यास का ऐलान किया। 39 वर्षीय स्ट्राइकर सुनील छेत्री ने भारत को कई महत्वपूर्ण मैचों में जीत दिलाई। सुनील ने करीब 9 मिनट के वीडियो में अपने रिटायरमेंट लेने के फैसले के बारे में बताया। सुनील ने एक्स पर शेयर किए इस वीडियो में लिखा कि मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। और फिलहाल समाचारों में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।